ये विराज, ये आद्विक दोनों खेली खेली कर रहे हैं। हेलो, ये मेरा पीना है। हेलो बोलो, हेलो बोलो आद्विक। इधर यहाँ पे फोटो सेशन के लिए दोनों को मनाया जा रहा है। फाइनली हम लोग कहाँ पे हैं? हैदराबाद में। हैदराबाद में लाइट वाइट देख रहे हो, फोटोशूट चल रहा है। भाई ये कोल्ड ड्रिंक है भाई, सब पंडित हो गए हैं। तो ये दो घंटे के लिए शर्माते हुए ले लिया। जब कोई पहली बार आता है ना मैरिड लड़की, तो उसको उसको होने के चावल अक्षर देते हैं। आपके लिए होता है? नहीं। अच्छा, थोड़ा सा पेट अंदर हस्बैंड, और ये हमारे आज के होस्ट सुपर हीरो। नहीं, आप लोग को सिर्फ जुलाई में कब आ रही है?
अरे यार हमारा नहीं पता रहता ना हम कब आएंगे हम लोग हेलो एवरीवन वेलकम बैक। अब आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे और कल का दिन बहुत अमेजिंग रहा। जो भी मैंने आपको क्लिप्स दिखाए जो भी फ़ोटोज़ आपने देखी सब फ्रेंड्स के साथ मस्ती में इतने डूबे हुए थे कि सही से आपको किसी से नहीं मिलवा पाई कि कौन क्या है क्या है। जितना आपको आपने देखा आपको समझ में आया होगा। सो ये हम लोग के फ्रेंड्स हैं एक साल में ही बने हैं और इतनी अच्छी दोस्ती है कि हम लोग बार बार ऐसे मिलते हैं बड़ा मज़ा आता है। तो कल हम लोगों को एक्चुअली 3:30 हो गया था रात में होटल आते आते और हम लोग आइबिस होटल में रुके थे हैदराबाद के। और मेरा रिव्यू उसके लिए बहुत बेकार है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी वहाँ पे जो होटल ने टेक केयर नहीं की। फर्स्ट चीज़ तो ये थी उनका एसी आई डोंट नो एक स्टैंडर्ड सेटिंग पे सेट है, आप उसका टेम्परेचर कितना भी करो उसने ठंडा ही नहीं किया पूरी रात। बट हम लोग इतना थके हुए थे कि नींद तो हमें आ गई बट मॉर्निंग में वी एक्चुअली रियलाइज्ड कि आपको स्वेटिंग हो रही है और रूम ठंडे नहीं है बिल्कुल भी। पिलोज उनके सुपर मोटे पिलोज जिस पे आप अनकंफर्टेबल रहोगे बिल्कुल नहीं सो पाओगे। क्वीन साइज बेड है तो अगर बच्चे के साथ सो रहे हो तो दैट इज़ अनदर मेजर चैलेंज। और मैंने एक्स्ट्रा बेड के लिए भी बात करी थी तो एक्स्ट्रा बेड के लिए भी मतलब उनके पास अवेलेबल नहीं थे। पिलो के लिए बोला पतले पिलोज दे दीजिए तो उनके पास अवेलेबल नहीं थे। तो बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए मैं आज तक जितने भी होटल्स में रुकी हूँ अपनी लाइफ में किसी भी सिटी में तो देर इज़ ऑलवेज यू नो अ कॉल कि सर और मैम प्लीज़ कम फॉर ब्रेकफास्ट और हमारा ब्रेकफास्ट इतने बजे क्लोज हो जाएगा। सो एटलीस्ट हैव दैट यू नो दैट डिसेंसी कि आप एक कॉल करके बता दो। बट यहाँ पे कोई कॉल नहीं आया और हम लोग इतने थके हुए थे कि हम लोग उठे इतना लेट। फिर उन्होंने बस स्ट्रेट अवे भाई बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता। एटलीस्ट आप ये बोल दो कि सर आप अलग से ऑर्डर कर लीजिए या आप कहें तो मैं कुछ अरेंज करवा दूँ या आपके साथ बच्चा है तो कुछ उसके लिए अरेंज करा दूँ। एनी वेज आई डोंट नो एवरीबडी माइट हैव डिफरेंट परसेप्शन बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है आइबिस का और बाथरूम भी एकदम लो क्वालिटी के हैं। सो अब हम आए हैं अगले होटल में विच इज़ लेमन ट्री। आप देख सकते हो तो लेमन ट्री की प्रॉपर्टी हमें जम्मू वाली तो इतनी कोई खास अच्छी नहीं लगी बट हमने सोचा यहाँ की एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हैदराबाद के लेमन ट्री में हैं अभी चेक इन करवा रहे हैं पीके जी। Looking like a wow.
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो छोटे छोटे क्लिप्स के बाद आपसे मिल रही हूँ। एक गो में सब कुछ नहीं हो पा रहा है। सो एक्चुअली हमने अपना होटल चेंज किया है, अब हम लोग लेमन ट्री में शिफ्ट हुए हैं। पहले हम लोग आइबिस में थे, बट आइबिस का मैंने आपको जैसे बताया बहुत ख़राब एक्सपीरियंस हमारा रहा है कल का ही। फ़ैन उनके रूम में नहीं था तो बस एसी के ही भरोसे थे, जो कि सही से नहीं चल रहा था। तो कुल मिला के बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो मॉर्निंग में ही होटल वगैरह चेंज करना था। सो अभी हम लोग लेमन ट्री आ गए, तो वहाँ से चेकआउट करना, यहाँ चेक इन करना, फिर फ्रेंड से आज मिलना भी था। तो अभी हम लोग लंच पे गए थे, आपने देखा ये वो क्लिप, हम लोग गए थे अंतेरा रेस्टोरेंट। सो बहुत अच्छा था। वहाँ पे लंच वगैरह करने के बाद सारे फ्रेंड्स यहीं होटल रूम में आ गए थे, यहीं पे हम लोग गपशप कर रहे थे। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं। तो अभी मैं और विराज है रूम पे, पीके जी गए हैं हाँ एक और फ्रेंड से मिलने, तो वो लोग अपना आपस में मिल लेंगे। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, मतलब डिनर के टाइम पे हम लोग फिर से कहीं बाहर जाने वाले हैं आज। तो यस, तो अलग अलग जगह से जब फ्रेंड्स होते हैं ना, तो यही होता है कि सब इकट्ठे होके कहीं एक जगह अच्छा सा डिनर कर लेते हैं। सो अब देखो डिनर के लिए कहाँ जाते हैं। हैदराबाद के बहुत सारे रेस्टोरेंट कल से हमने अब तक एक्सप्लोर कर लिए हैं, है ना। विराज भी एंजॉय कर रहा है, फुल एंजॉय कर रहा है, ये। सो यस, फिलहाल यही है। तो यहाँ का लेमन ट्री मुझे पसंद आया। अगर आपने हमारे वैष्णो देवी अमृतसर वाले व्लॉग्स देखे होंगे ना, तो मैंने उसमें बताया था कि हाँ ये देख लो भाई, कह रहा है उसको चोट लग गई है नी पे। चोट क्या लग गई, ये तो लगती रहती है, स्कूल के बच्चे गिरते रहते हैं तो घुटने सबके फूटते। हाँ ऐसे गिर गया था ये। सो जब हम वैष्णो देवी गए थे, तो हमने जम्मू में भी लेमन ट्री प्रॉपर्टी ही हमने मतलब की थी, वहीं रुके थे हम। तो वहाँ का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। वो लेमन ट्री मतलब लेमन ट्री जैसा लग ही नहीं रहा था, उससे बेटर तो छोटे वाले होटल्स थे। वेट, यहाँ का लेमन ट्री बहुत अच्छा है, बहुत A1 फैसिलिटीज़ हैं, होटल बहुत अच्छा है, रूम बहुत अच्छा है। मैं आपको व्यू नहीं दे पाई ना रूम का, मैं पहले आपको रूम दिखा देती हूँ। ऑल दो थोड़ा मैसी हो गया है, बट स्टिल मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये है मेन एंट्रेंस, यहाँ से एंटर होते हैं। इधर ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी इनका अच्छा ही है। ये इधर इनका बाथ, सॉरी ये इधर बाथ एरिया है और ये वॉशरूम है। और फिर जब एंटर होते हैं इधर, यहाँ पे ये मिरर लगा हुआ है। इधर ये इनका अलमीरा सॉर्ट ऑफ, ये हैंगर्स वगैरह दिए हैं इन्होंने, ये आयरनिंग बोर्ड है और नीचे यहाँ लगेज रखा हुआ है। इधर ये आपका लॉकर वगैरह है, आपको लैपटॉप वगैरह कुछ सेफली रखना है तो। सो ये है, और क्या है, बस यहाँ पे ये हमारा रूम, यहाँ पे ये टीवी, ये टेबल, ये बेड जिस पे विराज लेटे हैं, है ना। और अच्छा है रूम ओवरऑल। और ये यहाँ पे बैठने का थोड़ा सा सिस्टम है, यहाँ पे आप रेडी हो सकते हो। रेडी तो वैसे रेडी होने के लिए वो लंबा वाला मिरर है, वेट लंबा वाला मिरर है रेडी होने के लिए, एक छोटा सा मिरर यहाँ पे भी है। इधर केटल वगैरह, आपको चाय कॉफ़ी कुछ लेनी है। ये हमने थोड़ा सा चाय और सैंडविच वगैरह मंगाए थे, वही सब रखा हुआ है। एक ट्रॉली यहाँ रखी है, एक वहाँ रखी है। ये पीके जी का बैग रखा है, मेरा पर्स वगैरह है इधर। और ये विराज, तो अच्छा है ओवरऑल रूम वगैरह। तो चलो हम लोग थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, 6 बज रहा है अभी, एक घंटा सोच रहे हैं रेस्ट कर लें, ये थोड़ा सो जाएगा सही रहेगा, फिर डिनर के लिए जाएंगे तो फिर लेट होगा। तो हम लोग 3-4 दिन के लिए ही हैं, तो सारे फ्रेंड्स अपना इकट्ठे रहते हैं, तो वही रहता है कि मतलब लेट भी हो रहा है कोई बात नहीं, 3-4 दिन की बात है, फिर तो चले जाएंगे, फिर बहुत बहुत सालों में मिलते हैं। अभी भी हम 2.5-3 साल के बाद मिल रहे हैं सब, तो यस ये सीन है। और हमारी वापसी परसों की है, तो कल का मेरा प्लान आइकिया जाने का है। सो देखती हूँ वहाँ पे क्या होता है, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा फिर। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो आइकिया का होगा, टूर भी दूंगी और जो भी चीज़ें खरीदूंगी बताऊंगी आपको। और यस, परसों हमें वापस जाना है। तो चलो बातें बहुत हो गई, वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।